सस्पेंस पर खत्म। कौन सी कहानी दिखेगी बाहुबली 4 में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, बाहुबली फिल्म फ्रेंचाइजी में जहां हर किरदार इतना बेहतरीन रहा कि हर एक इंसान ये सोचने पर मजबूर जरूर हुआ होगा कि इन सभी किरदारों में सबसे बेहतरीन कौन है, फिर चाहे वो फिल्म का हीरो हो, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो या फिल्म के विलन्स। बाहुबली फिल्म में हमें एक से बढ़कर एक हीरो देखने को मिले, फिर चाहे वो बाहुबली का किरदार हो, शिवगामी का हो, देवसेना का या फिर कटप्पा का, सबने अपने हीरोइक अंदाज और कहानी से इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन एक हीरो की पहचान असल में तभी उभर के आती है जब उस कहानी में कोई दमदार विलन हो। बाहुबली फ्रेंचाइजी के विलन दग्गुपति और बिज्जला देव ने जो बेहतरीन अभिनय किया है वो देखने लायक रहा। तभी तो दर्शकों ने फिल्म की हर एक किरदार को बहुत पसंद किया। ऐसे में अब बनने जा रहा है फिल्म का तीसरा पार्ट, बाहुबली 3 बिफोर द बिगिनिंग, जिसमें हमें शिवगामी देवी की कहानी देखने को मिलेगी। ऐसे में इस बार भी कई हीरोइक कैरेक्टर्स होंगे इस पार्ट में, लेकिन विलन कौन होगा, चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो फिल्म की कहानी काफी मिस्ट्री से भरी होने वाली है कि आप तो एंड तक यही सोचते रहेंगे कि असली दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। पर फिल्म के दो किरदार जो काफी शातिर और क्रूअल होंगे और ठीक पहले सीरीज की तरह ही अपने गोल को पाने के लिए उसकी होड़ में सब करते चले जाएंगे, वो होंगे सोमदेव। जी हाँ, सोमदेव जो शिवगामी और अखिला के ससुर यानी किंग ऑफ माहिष्मति हैं। ऐसे तो बाहुबली 3 में कई विलन साइड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो आप जब फिल्म की कहानी देखेंगे तो आपको हर दूसरा कैरेक्टर अपने हित के चलते एक ग्रे शेड किरदार में नजर आएंगे, जिसमें अगर आप शिवगामी के स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहानी में कई विलन कैरेक्टर्स दिखेंगे जिसमें थिम्मा, रुद्र, बिज्जाल देव जैसे कई किरदार देखने को मिलने वाले हैं। बाहुबली की कहानी पहले भी जहां दो भागों में दिखाई गई थी, वहीं आने वाली बाहुबली 3 भी हमें दो भागों में देखने को मिल सकती है, जिसमें इस बार बाहुबली 3 शिवगामी द राइज में हमें उनका संघर्ष और कैसे वो माहिष्मति के खटमरे में आकर खड़ी होंगी दिखाया जाने वाला है। बाहुबली 3 की कहानी इस सस्पेंस के साथ खत्म होगी कि क्या शिवगामी अपने बाप के हथियारों से बदला लेंगी या फिर चंद पैसों के लिए गलत का साथ देंगी। ऐसे में फिल्म के अगले पार्ट बाहुबली 4 में हमें कैसे शिवगामी माहिष्मति साम्राज्य की क्वीन बनेंगी, शतरंज के प्यादों को मारते हुए आपको क्या लगता है क्या अंजाम होगा शिवगामी का? अब इसी के साथ मैं स्वाति लेती हूँ आपसे इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या शिवगामी देवी बनेंगी एंटी हीरोइन, क्या करेंगी आखिर शिवगामी।